नेता प्रतिपक्ष ने एक बात और कही कि उन्होंने अपने समय में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का दौरा किया और एक बच्चे से उन्होंने पूछा कि मुझे पहचानते हो, तो उसने कहा कि हाँ राहुल गांधी है। बच्चे भोले भाले होते हैं लेकिन मन के होते हैं सच्चे। जो बोला होगा बहुत सोच समझ के ही बोला होगा। समाजवादियों ने कभी नारा दिया होगा, हमने तो उन्हीं से सीखा, किताबों से सीखा, शिविरों में सीखा, जनेश उमेश जी से सीखा। और जनेश उमेश जी इसलिए सीखा कि हमारे पार्टी के बड़े नेता थे, और बड़े नेता थे इसीलिए मैंने, अगर नेताजी ने लोहिया पार्क बनाया था तो मैंने भी जनेश उमेश पार्क बनाया और बड़ा पार्क बनाया। मैं देख रहा था कि अचानक अपने भाषण को आगे बढ़ाते बढ़ाते नेता प्रतिपक्ष उस दिन बाद में कुछ ऐसे मुद्दों पे आ गए जिनका बजट से संभवतः बहुत वास्ता रहा हो या न रहा हो। और कुछ ऐसी बातों को इस सदन में कहने लग गए थे जिसका खामियाजा प्रदेश अतीत में बहुत भोग चुका है, आज से उभर चुका है प्रदेश। उत्तर प्रदेश आज एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। लेकिन उनके भाषण से मुझे दुष्यंत कुमार की पंक्तियां याद आ गई कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, मैं तो कह रहा हूं कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। ये नेचुरल फार्मिंग के साथ मैं तो चाहूंगा आप में से बहुत सारे माने सदस्य इसमें किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं। आप देखना, नेचुरल फार्मिंग आपके पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर और केमिकल की जितनी समस्या, यानी जो भी ये इससे इफेक्ट साइड इफेक्ट है, इससे मुक्त करते हुए आप एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देने की स्थिति में होंगे। और ये नेचुरल फार्मिंग बगैर गौमाता के संभव नहीं है और सरकार उसको उसी दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। सरकार उसी दिशा में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। लेकिन आपको गाय के गोबर में बदबू आती है, क्योंकि अगर आपने पूजा किया होता, गाय के गोबर को लक्ष्मी के रूप में रखा होता, तो भारत की समृद्धि का प्रतीक तो वहीं से प्रारंभ होता है। कैसो श्रेष्ठों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। कैसो श्रेष्ठों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है, हमने कभी नहीं कहा कि हम ही ने किया है, सब ने किया है। 4 बार समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, बहुजन समाजवादी पार्टी को भी हुआ, कांग्रेस ने लंबे समय तक प्रदेश में शासन किया, भारतीय जनता पार्टी को भी 4थी बार सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। हर एक ने अपने अपने समय में कुछ ना कुछ नया किया है, करने का प्रयास किया है। अलग विषय, परिणाम क्या है? और परिणाम वही ला सकता है जो समस्या पर कम, समाधान पर ज्यादा जोर देगा। यही अंतर है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में वाली एनडीए सरकार द्वारा वर्ष 2003 में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर दिया गया था। हमारी सभी सदस्यों की मांग है कि जिस तरीके से वर्तमान में राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ ने भी राज्य कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है, उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करने की योजना कब तक लेकर जाए? केंद्र सरकार
जनवरी 2022 का डीए घोषित कर चुकी है, परंतु राज्य कर्मचारियों का जनवरी 2022 का डीए घोषित नहीं किया गया है। डीए घोषित कर भुगतान आदेश जारी कराने का काम सरकार करेगी।